सत श्री अकाल स्काई न्यूज़ पंजाब देख रहे हो तुसी ते मैं हाँ थोड़े नाल विवेक कुमार। इस वेले की वड्डी खबर राजकुमार बेरका दे नाल सामने आ रही है। तुहानू दस दिए कि राजकुमार बेरका दे वलों अपने अमृतसर गृह विखे एक मीटिंग की गई है, जिस दे विच उन्होंने ऐलान किया है कि वह भाजपा का पला छड़ के मुड़ तो घर वापसी कर रहे हैं। कांग्रेस दे विच शामिल होने लई 12 बजे दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली दे विच नाल ही एक हिंट भी दे के गए ने कि कई जिहड़े उन्होंने नाल दे हम सफर ने जिहड़े उस समय भाजपा च शामिल होए सी कांग्रेसी आगू वह भी हुण घर वापसी कर सकते हैं। सो सूत्रां दे विचों एक गल खबर निकल के आ रही है कि साबका सेहत मंत्री बलवीर सिद्धू इस दे नाल ही गुरप्रीत सिंह कांगड़ जिहड़े ने सूत्रां दे हवाले तो खबर आ रही है कि वह भी मुड़ तो घर वापसी कर सकते हैं। इस दे नाल ही जेकर गल करिए भाजपा के उत्ते कई तरीके के सवालिया निशान भी जिहड़े ने वह खड़े करके गए ने। राजकुमार बेरका ने कहा कि भारत ते सूबा भारत के लोग जिहड़ा ने कांग्रेस के हाथ से सुरक्षित ने। इस पूरी खबर के बाबत गलबात करने के लिए मेरे नाल फोन लाइन से जुड़ गए ने भाजपा के सीनियर आगू हरजीत गरेवाल। गरेवाल जी बहुत बहुत स्वागत है थोड़ा स्काई न्यूज़ पंजाब के उत्ते। शुक्रिया जी। जी गरेवाल जी, राजकुमार बेरका एक झटका दे के गए ने भाजपा नूं। बीते साल ही जेकर गल करिए भाजपा के शामिल होए सी, हुण मुड़ तो घर वापसी कर रहे हैं, कांग्रेस से जा रहे हैं। जेकर बयान की गल करिए भाजपा के उत्ते कई तरीके के सवाल खड़े करके गए ने कि एक नहीं है, जेकर भारत सुरक्षित है तो कांग्रेस के हाथों के विच है। देखो उन्होंने अपनी सोच हो सकती है, बेरका जी भले इंसान ने जी, ऐसी कोई गल नहीं कि अच्छ सानू छड़ के जा रहे हैं तो अभी कहिए बहुत बुरे इंसान है जी, ऐसा भी कुछ नहीं है। और मैं समझना बड़ी मनभागी गल है, पहली गल तो कसम करना बुरा फिर करके छड़ना बुरा, आदमी ने अपने परसनैलिटी से भी फर्क पैदा ना यदा। कल कांग्रेस ठीक है, बड़े लीडर जी मिनिस्टर भी रहे, कांग्रेस ने तुम्हें बहुत कुछ दिता, मौका आया तुम छड़ के आ गए, हुण ऐसा मौका आया फिर तुम जा रहे हो, ये की कारण है? ठीक है ना, ये भी लोग सोचणगे, पर मैं ये समझना कि वो उन्होंने अपना आके उन्होंने कि विचारधारा मनना साढ़े तो एक आत्म मानव दर्शन युग पुरुष दीन दयाल उपाध्याय जी ने जी विचारधारा दी है, वो साड़ी विचारधारा हैगी है। और साढ़े लीडर नरेंद्र मोदी जी ने, मैं तो हमेशा ही कहना हुंदा जिहड़े भी नवे बंदे ने आना हो जो नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप नूं मनदा हो और साड़ी विचारधारा नूं मनदा हो आत्म मानव दर्शन नूं, वो आ सकता, वेलकम उस नूं। ते साडा तां समुंदर आ, समुंदर जदों एक बूंद आके मिलती है समुंदर का रूप धार कर लें धारण कर लेंदी है, समुंदर चो अलग होंदी है तां अलग थलग होके नष्ट हो जाती है। पर बेरका जी नूं शुभकामनावां ने, कोई ऐसी गल जे वो गए आ तां कुछ सोच के गए होने तो उ कर सकते हैं, पर मैनूं ये बड़ा अफसोस होया उन्हां दे जाण दा, भले इंसान ने जी। गरेवाल जी जेकर गल करिए राजकुमार बेरका एक हिंट जरूर दे के गए ने कि दिल्ली दे विच जा रहे हैं, निगाह उत्थे रखियो, मेरे कई हम सफर जिहड़ा ने वो नाल जा रहे ने, मतलब एक बड़ा जिहड़ा खोरा भी जिहड़ा भाजपा नूं लग सकदा पंजाब दे विच। हाँ बिल्कुल ठीक है, लग सकदा जी, कुछ भी कर सकते हैं, कांग्रेस दे कुछ लोग जा सकते हैं, पर साडा कोई भी जिहड़ा मूल बीजेपी दा वो कोई नहीं जाएगा, ये मैं तुहानूं दस दिंदा जी, बीजेपी दा पक्का बंदा कोई नहीं जाएगा जी, विचारधारक बंदा कोई नहीं जाएगा जी। गरेवाल जी जेकर आप पिछले समय दी देखिए जदों तो पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, सो उदों तो बथेरे घर कांग्रेसी जिहड़े ने या होर कई पार्टियां दे वड्डे आगू ने भाजपा का पल्ला फड़ रहे हैं, सो उत्थे ही जिहड़ा मुख्यमंत्री भगवंत मान वो कह रहे हैं चाहे बीजेपी च चले जाओ जिन्होंने काले काम किए ने असीं छड्डांगे नहीं, सो किते ना किते कारण मन सकते हो कि जिहड़ा भाजपा नूं भी यूज किया जा रहा है बाकी पार्टियां दे वल्लों? हिमायत नहीं करते और बराबर जीरो टॉलरेंस से कार्रवाई होंगी, जिस तरह मनीष सिसोदिया से हुई हम अगे होर लोगों से भी होनी है, सतेंद्र जैन से हुई, संजय सिंह से हुई, जो भी करप्शन करता असं भी जीरो टॉलरेंस से साड़ी सरकार काम करती है, किसी को भी जिन्हों कोई गंभीर आरोप होंगे किसी नहीं बचाते, और सानू ये तो पता नहीं लगता ना भाई असं कोई बीजेपी एक पोलीटल पार्टी है, जांच एजेंसी तो है नहीं कि जांच एजेंसी तो सरकार को होती है जी, या पंजाब सरकार को भगवंत मान जी को या केंद्र च जी हैगी जी केंद्र सरकार आ एनडीए की वो को इस करके कार्रवाई अपनी करते रहते हैं। पर मैं ये समझदा कि बेरका जी मैनू नहीं लगता भी इस तरह के इंसान ने और उन्होंने जाना गलत होया।
जी जेकर हुण मौजूदा स्थिति देखा गरेवाल जी तो 2024 दीआं चोणां सिर ते ने सो हुण एक एक करके कांग्रेसी घर वापसी कर रहे ने की हुण उम्मीदवार पंजाब दे विच मिल जाणगे भाजपा नूं भाजपा दे उम्मीदवारां दा नहीं कोई कष्ट करो ओह तां भाजपा दा इक समुंदर आ मैं तुहानूं दस्सिआ कोई फर्क नहीं पैंदा जी ठीक है ना लोक आउंदे जांदे रहिंदे आ सानूं नहीं उहदा कोई बहुत लंबा चौड़ा फर्क पैंदा और साडी अपनी जिहड़े मूल आगू हरजीत गरेवाल जिन्होंने राजकुमार बेरका दे कांग्रेस च शामिल होने ते दुख जताया उन्होंने कहा कि सानू दुख हुंदा है कि जदों कोई साडी पार्टी छड्ड के दूसरी पार्टी दे विच जांदा है सो उस दे नाल ही उन्होंने राजकुमार बेरका नूं आउण वाले भविख दे लई शुभकामनावां भी दित्तियां सो इस वेले की वड्डी खबर जिहड़ी निकल के सामने आ रही है कि राजकुमार बेरका ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान कर दिता है कि उन्होंने वालों भाजपा का पला छड़ के कांग्रेस च मुड़ तो शामिल होया जा रहा है सो हुण दिल्ली दे लई रवाना हो जा रहे हैं राजकुमार बेरका कुछ ही समय दे विच सो नज़रां जिहड़ियां ने हुण दिल्ली दे उत्ते टिक गईयां ने कि किहड़े किहड़े होर आगू जिहड़ा ने भाजपा दे विच शामिल हो रहे हैं क्योंकि जदों सारे आगू कांग्रेस दे भाजपा दे विच शामिल होए सी तां उस समय घट्टो घट 11 दे करीब आगूआं दी गिणती सी जिन्हां दे विच राजकुमार बेरका साबका सेहत मंत्री बलबीर सिद्धू ते होर कई अणगिणत नाम सी फतेह जंग बाजपा वगैरह जिहड़े मुड़ तों कांग्रेस दा पल्ला छड़ के भाजपा 'च शामिल हो रहे सी सो हुण राहुल गांधी दी फेरी दे नाल भी इस सारे मुद्दे नूं जोड़ के देखिया जा रहा है कि 2 दिन दी फेरी राहुल गांधी की होंगी है शीश दरबार साहब जाके जिहड़ा ने नतमस्तक होंगे ने सेवा करते हैं 2 दिन सो उस समय भी कई सारियां लाइया जा रही सी कि कई जिहड़े भाजपा के आगू ने वो हुण छड़ के भाजपा मुड़ तो कांग्रेस के आ जाएंगे